الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد الحسين مني وأنا من الحسين دوستوں حسین کی عزاداری رسول نے کہا کہ حسین کا ذکر مومن کے خون میں حرارت پیدا کرتا ہے یہ ایک ابدی ذکر ہے جب حسین نے کربلا کے میدان میں اپنا سر پیش کیا تو اس وقت مشیت یزدی نے آواز دی تھی حسین تو نے سب کچھ میرے لیے لٹا دیا آج خدا تجھ سے وعدہ کرتا ہے جب تک مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدا ہو اونچتی رہے گی اس وقت تک یا حسین بھی ہوتا رہے گا خدا کی قسم یہ حسین کی عزاداری کا معجزہ ہے جو ہمیں کھینچ کے ہمارے گھروں سے لاتا ہے ان حالات میں بندہ اپنے بیٹے کے پاس بھی نہیں جاتا اپنے سگوں کے پاس نہیں جاتا حسین کے فرش پر آ کر بیٹھنے کا تعلق ہے یہ تعلق ہم بتاتا ہے دلیل ہے کہ ہمارا حسین سے جو رشتہ ہے وہ ہمارا ہماری اولاد سے بھی نہیں ہے وہ ہمارا ہمارے اپنوں سے بھی نہیں ہے یہ ایک معجزہ ہے کربلا کا دنیا کے واقعات ہوتے ہیں ہوئے ختم ہو گئے بہت اہم واقعہ ہوا تاریخ کی کتابوں میں صفوں پہ لکھا گیا پڑھا گیا بھول گئے مگر حسین کا یہ معجزہ ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ ہر سال صرف پڑھا نہیں جاتا فرش پر نظر بھی آتا ہے اب
अल्लाह जाने जिक्र सुन रहे होंगे या हुसैन के चेहरे को देखने में महू होंगे, इतने में पूरे पैगाम पहुंचाएगी। तवज्जो रखिएगा, इतने में पूरे पैगाम पहुंचाएगी। अब आ जाओ, बहुत देर हो गई है, खाना नहीं खाना है, खाने को देर हो रही है, चलो आओ। अब वापिस आ जाओ, देर हो रही है। मोमिन कहेगा रुक जाओ, मजलिस खत्म नहीं हुई। अब जुमला दू खुदा की कसम, इस बारिश का एक कतरा तुम्हारे लिए रहमत बन के गिरेगा। बोलता है मौलवी, क्यों झूठ बोलता है? आज
जन्नत के सरदार कहाँ है? रसूल बैठे, रसूल के कांधे पर हसन है, एक कांधे पर हुसैन है, आधी सुल से हसन ने पकड़ी, आधी सुल से हुसैन ने पकड़ी, 70 मरतबा हसन ने इधर मोड़ा, 70 मरतबा हुसैन ने इधर मोड़ा, या रसूल अल्लाह ये क्या बच्चों का खेल? रसूल ने कहा खबरदार काफी हो जाएगा, क्या है?
अल्लाह की रिजा, काबा क्या है रसूल की रिजा, सारे मुसलमान किसको चिंते करते हैं, रसूल की रिजा को ना, काबा किबला तो रसूल की रिजा है ना, संदे रसूल की रिजा है। रसूल दली के तालू पर सर रख के लेटे थे, नमाज का वक्त गुजरता चला जा रहा था, सुना है ना, अली ने रसूल को नहीं जगाया, किसी ने मासूम से पूछा जगा देते, कहते मैं नमाज पढ़ के आया हूँ और मैं जाना है, वो ये मौला है कोई मौलवी नहीं है, ये मौला है मौला, वो कोई मौलवी नहीं है। सिफीन से अली चले, सिफीन से अली चले, जवेरिया मौला का साहबी, जोहर का वक्त हो रहा था, क्या नमाज पढ़ ले, अली ने नहीं यहाँ नहीं पढ़, चलो। कुछ लोगों को बुरा लगा, अली उधर चले, उन्होंने वहीं सफे करके खड़े हो गए, अल्लाह जवेरिया कह रहा था मैं देख रहा हूँ नमाज तो ये जा रही है, ये जो थे बहुत बड़े आशिक रसूल थे, बैठे थे और लोटे में वुजू का पानी रख के वुजू कर रहे थे, नमाज का वक्त हो गया था, सामने से एक गर्द उड़ता हुआ नजर आया, पूछा ये कौन है, ये कौन है, किसी ने कहा अली है, अली का लश्कर है, सिफीन जा रहा है, वुजू का लोटा उठा के फेंका और कहा नमाज तो ये जा रही है, नमाज रसूल की रिजा थी, उस वक्त अली की नमाज रसूल की रिजा थी, अली की नमाज रसूल की रिजा, रसूल है सजदे में, पुश पर आ जाते हैं हुसैन, क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया, मासूम ने कहा उस वक्त रसूल की नमाज और हुसैन की रिजा, हुसैन तेरा नाम भी चलेगा, बेमकसद मेहनत करने की जरूरत नहीं, कि मजलिस बंद हो जाए, जिक्र बंद हो जाए, ये कर लो ये कर लो, आसान सा तरीका है, तू अल्लाह अकबर रुकवा दे या हुसैन खुद रुक जाए, सब कुछ लुटा दिया हुसैन, और आज तो आप जिसकी मेहंदी निकालने करते हो ना, मेहंदी क्या होता है, इश्तिहारा होता है, आरजू होती है कि बेटे के सर पे से ला सके, किसी बेवा की आरजू थी पूरी नहीं हुई, हम निकाल कर कहते हैं ए रहे उम्रे उम्र फरवा तेरी आरजू पूरी कर रहे, जब अपने जवान बेटे की शादी किया करो ना अकेले, तो जब वो चूड़ा बन जाए बारात ले जाने से पहले उसका हाथ पकड़ो, अकेले कमरे में आओ, बाजू पकड़ के करबला का रुख करके कहा करो उम्मे फरवा तेरा बेटा था तुझे आरजू थी ना, हमारा बेटा तेरे कासिम पर कुर्बान, हमें बड़ा दुख है कासिम की लाश के पामाल होने का, आज आप उसको रोने बैठे हो, ये वो शहीद है जिसने हुसैन जैसे साबिर को रोना, हुसैन जैसे साबिर को, हुसैन जैसे साबिर को रुला दिया, जब कासिम चलने लगे ना हुसैन ने यू बाहें फैला कर कहा कासिम अब तो तू वापिस आएगा नहीं, आ एक मरतबा मेरे सीने से लग जा, आ एक मरतबा मेरे सीने से लग जा, कासिम को सीने से लगाया, हुसैन जमीन पर गिर गए, अब पानी तो ला नहीं के हुसैन को होश में लाती, जैनब ने आगे चादर से हवा चलती जाती थी, कहती जाती थी हुसैन उठ जा, हुसैन उठ जा, चार साल के थे काफी,
जब जनाब हसन की शहादत, उसके बाद हुसैन ने पाला, उसके बाद हुसैन ने पाला। कासिम हमेशा हुसैन को बाबा कहते थे। 10 मुहर्रम को हुसैन बैठे हुए थे खैमे, तस्बीह पढ़ रहे थे। अंदाजा हुआ कोई पीछे आया है, पलट कर देखा बच्चा दरवाजे पर खड़ा है। कहा बेटा आधी रात को माँ का खैमा छोड़ कर यहाँ क्यों आए हो? कहा बाबा माई की वजह से तो आया हूँ, मेरी माँ बहुत परेशान है, मेरी माँ बहुत परेशान है। कहा क्या बात है? कहा बार बार मुझे बुलाती और कहती है कासिम कल कुर्बान का सजेगी, बाप तेरा है नहीं, मैं सैदानी नहीं, अगर तुझसे थोड़ी सी कसर रह गई दुनिया कहेगी ना बाप था नहीं, माँ ने सही तरबियत नहीं की। बाबा इतना बता दो कल क्या मेरी लाश भी आएगी या नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? हुसैन ने कहा कासिम ऐसी बात नहीं करती, तू मेरी आंखों का नूर है, मैं आंखों का नूर कैसे जुदा करूं? फिर काना बाबा ना मुझे बताओ कल मेरा नाम भी शहीदों में है या नहीं है? हुसैन ने कहा तू हसन की निशानी है, मौत की बात ना कर। कासिम समझ गए मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, वापिस पलट कर आए माँ के सामने आके जिस तरह आप बैठे हो ना खाट पर, कासिम भी बैठ गए। माँ ने कहा कासिम ये खाट पे क्यों बैठा है? कहा माँ नजर नजदीक है ना, मुझे फकीरों के कपड़े पहना दो, मैं दादा के रोजे पर जाऊंगा और कहूंगा दादा अम्मा कहती है मैदान में जाओ, तेरा बेटा इजाजत नहीं देता। और मैं फरवा लेकर चली कासिम को, जैनब को साथ लिया, सामने से हुसैन ने देखा जैनब आ रही है, पीछे उन्हें फरवा, सबसे आखिर में कासिम है। हुसैन ने पास से कहा बात, कासिम बहुत बड़ी सिफारिश लेकर आए। उन्हें फरवा को देखकर कहा आओ भाभी आओ, कैसे आना हुआ? सर झुका के कहा वो सखियों के सखी मुझे इतना बता दे मेरे कासिम का नाम फहरिस्त शोदा में है या नहीं है? दो जुमले कहे हैं मेरा तो दिल कट जाता है, मैं नहीं जानता आप कैसे सुनेंगे। एक जुमला उन्हें फरवा को कहा, एक जुमला कासिम को कहा। उन्हें फरवा को कहा भाभी जाओ फजर की नमाज इतने नाम से पढ़ो, कल कासिम दो जन करेंगे अभी याद आ जाएगा। और फिर पलट कर कासिम से पूछा कासिम तुझे इतनी जल्दी क्यों है? कासिम ने कहा बाबा बात यह है मैं छोटा हूँ ना, हो सकता है आप रोक दे। हुसैन की आंखों से आंसू निकल आए, कासिम तू तो फिर भी 13 साल का है, वो मैदान में तो 6 माह का असगर, मैदान में तो 6 माह का असगर भी जाए। कासिम चले, बस मैंने जहमत तमाम की, मौला आपकी जहमतों को कबूल करे, तुम्हें ना रोने दे का कासिम, ना कासिम की मार रोने दे, साल भर खुश रहो, रो तो सिर्फ हुसैन के गम में। चले कासिम जीन से जमीन पर आए, जैसे जीन से जमीन पर आए हुसैन को आखिरी सलाम किया, मेरा मौला निकला। अब हुसैन जाना इधर जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, से टकराते हैं, कभी उस मना से टकराते हैं। पलट के जैनब ने कहा ये क्या कर रहा है हुसैन, ज्यादा किधर है, जा किधर रहा है? कहा जैनब नजर मुझे कुछ नहीं आ रहा, मेरी आंखों की बीनाई खत्म हो गई और मेरा कासिम चला गया। अल्लाह जाने हुसैन कासिम की लाश पर कैसे आए। आप अगर कोई आशा सामने रखा हो तो कैसे आदमी देखता है? यूं करके देखते नहीं, यूं करके। हुसैन ने कासिम का लाशा बताया कैसे देखा, कैसे देखा? हुसैन ने कभी इधर देखा, कभी इधर देखा, कभी इधर देखा। और पिता कासिम माफ करना, आने में तो देर हो गई, मगर ये बता तेरा लाशा कहाँ से उठाना शुरू कर। मैदान करबला में कासिम तकसीम था, हुसैन ने अपनी चादर बिछाई, हसन के फूल
की पंखड़ियों को चुनना शुरू किया, जितने में देखा एक काले बुरके वाली बीवी है मैदान करबला में, कभी इस घोड़े के नाम में हाथ देती है, कभी इस घोड़े के नाम में हाथ देती है। हुसैन ने आवाज लगाई, ना माना आज जख्मी हो जाएंगे, घोड़े की नाम तेज होती है। और आप सैना कह रही थी मेरे कासिम का टुकड़ा, मेरे कासिम का टुकड़ा। हुसैन ने वहां के दामन में कासिम को लिया, सब एक के नए खाने के अंदर बीवियों ने मेला डाला। हुसैन ने चादर की कचरी खोली, कासिम खाने में बिखर गए, कासिम खाने में बिखर गए। बीवियों ने मातम शुरू किया, हाय कासिम, हाय कासिम। हुसैन ने एक एक बीवी को देखा, एक एक बीवी को देखा, फिर कहा कासिम की माँ नहीं आई, कासिम की माँ नहीं आई, जाओ सैनब कासिम की माँ को लेकर आओ। सैनब कही, उम्मे कुलसूम की रोने वालों, एक